अबे यार हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अबे यार मैं ये कह रहा हूँ, रेडबुल सर यार भड़क रहे हैं। क्या कह रहा है टकला साला? अबे यार टकले सर कह रहे हैं कि यार तुम एक से एक फालतू कंटेंट बना रहे हो, तो अब उसको बोल दो कि अब हम और फालतू कंटेंट बनाने वाले हैं। चल ठीक, तो स्टूडियो चले फिर। चला। अभी है आजकल की रमकम कितनी फैक्ट्री हो गई है। हाँ वो तो है, आजकल की रमकम में बस एक ही चीज है। मैं बोलू? तू बोल। मैं अच्छा बोलता हूँ ना? इतना भी कुछ खास अच्छा तू नहीं बोल लेता। रजबू सर कह रहे थे कंटेंट खराब बनाते हो तुम लोग। आजकल की रोमकॉम में बस एक ही चीज होती है, एक लड़का होता है, ढेर सारी लड़कियां होती है, रोमकॉम खत्म। तो एक रमकम बनाइए। चलो बनाते है। तो सबसे पहले कोई फैंटेसी वाले प्लॉट हो जाए। मेरे घर के बगल में आई एक लड़की, मैं नहीं करती। बस 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 हक रहा है तू, बहुत बेकार। फिर मेरे क्लास में आई एक और लड़की। हाय, पूरे क्लास में तो मैं सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ ना, क्योंकि और तो कोई है नहीं। अब रेड रेड वूम बनाओ, शाही हो जाओ, और मैं तुम्हें पूरी एनिमे भर लास्ट नेम बुलाऊंगा, लेकिन आखिर में हम जाकर फर्स्ट नेम में बात करेंगे। अबे चल हट, पहले मेरे को पोज तो मारने दे। ये कितना स्मार्ट है, अब मैं इससे ऑब्सेस रहूंगी। तभी दूसरी लड़की आती हुई। मेरी भी जिंदगी में अलेक्जेंडर के अलावा और कोई लड़का नहीं है, मैं भी इसी से ही ऑब्सेस रहूंगी। चलो दूसरा एपिसोड लेते। तो दूसरा एपिसोड है फेस्टिवल सीन। जल्दी जल्दी आओ दोनों किमोनो पहन के, अब फेस्टिवल एपिसोड है, अब हम फेस्टिवल देखेंगे। अब आते हैं अब हम थर्ड एपिसोड में, जो है बीच एपिसोड। बीच एपिसोड हर एनिमे में होता है, हर एनिमे का सबसे कंपलसरी इसलिए होता है क्योंकि इसमें एनिमे क्रिएटर्स को अपनी जो कवैया बनाई होती है उनको शोकेस भी तो करना है। चलो एक लड़का होना चाहिए, बस एक से ज्यादा नहीं। मैं भी एनी चाहती हूँ। तो नहीं, मैं ही आऊंगा। अभी मैं एनी चाहती हूँ बस एक में। अबे तू वो बन जा, हर एनिमे में एक साइड कैरेक्टर होता है ना, जो मेन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त होता है, जो सिंपिंग करता है, उसको लास्ट में कुछ नहीं उसके हाथ आता। तू अब वो बनेगा क्योंकि तू है ही लूजर। तू बहुत बड़े प्लेबॉय भी। फिर आता है शॉपिंग वाला एपिसोड। चल चल जल्दी आ जाओ, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी एनिमे गर्ल के पास कपड़े तो होते नहीं है, सबको उसी शॉपिंग एपिसोड में याद आते हैं कपड़े खरीदना। अबे कुछ ट्रेंड सा हो गया, हर एनिमे में लड़कियां आके कपड़े ही खरीदती है। लगता है एनिमे में एनिमे से पहले लड़कियों के पास कपड़े ही नहीं थे। वही पुरानी लड़की कपड़े दिखाएंगी, फिर पोज मारेगी, और उसके बाद वही वाला सीन जो है एनिमे में होता है। फिर उसके बाद आएगा स्पोर्ट्स इवेंट वाला एपिसोड, जिसमें सब स्पोर्ट्स करेंगे। फिर आएगा बीमारी वाला, एक प्रोटैगनिस्ट लड़का या प्रोटैगनिस्ट लड़की बीमार हो जाएंगे, दूसरा उसकी केयर करेंगे और रेड रेड मुंह बना के खाना लेके आएंगे। उसके बाद होगा एक मूवी वाला एपिसोड। हर रोमकॉम में यही तो होता है, हम लोग तो चूतिया है जो ये सब देख। अबे थॉमस आराम से। है ने, तू है ही चूतिया शिपशी भी है। अबे तुम दोनों आराम से थोड़ा करो यार, ये गाली क्यों दे रहे हो। अबे है ने, थॉमस चूतिया के तभी जो तुम्हारे जैसे लोगों ने जानते गर्लफ्रेंड कागुया सामा जैसी एनिमे चार चार सीजन बीत जाते हैं, लेकिन लड़का लड़की में आई लव यू कहां, फर्स्ट नेम तक बात करने में दो सीजन बीत जाते हैं, और जाके एंड में जाके आई लव यू होता है, और उसके बाद तभी इसी वजह से चार चार सीजनों के बाद जाके ऐसी एनिमे के मूवी पार्ट बनते हैं, कागुया सामा फर्स्ट किस दैट नेवर एंड्स। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जापान वाले इतना फैंटेसी क्यों दिखाते हैं। एक प्रोटैगनिस्ट होता है और पांच छह लड़कियां होती है, और वो जो पांच छह लड़कियां होती है उनके अलावा उस प्रोटैगनिस्ट के अलावा कोई और लड़का ही नहीं होता है दुनिया में, बस वही प्रोटैगनिस्ट। हर लड़की उससे ही ऑब्सेस रहेगी, उससे ही आशिकी चाहती है, और हर प्रोटैगनिस्ट को उनमें से एक लड़की पसंद होती है, जो वो लड़की उसको सबसे कम भाव देती है। वो लड़की शाय होगी, शांत होगी, और उसको भाव बिल्कुल जाकर चार पांच सीजनों के बाद जाकर वो एक पहला वर्ड बोलेगी, बस ये इसी में हर रोमकॉम खत्म। आज का ये कुछ चेंज हो गया है, जो भी एनिमे देखो उसमें यही सब होता है, गोइंग टू शॉपिंग, गोइंग टू सिनेमा, बीच एपिसोड आता है, कोई फिर घूमने का एपिसोड आ जाता है, फिर कोई बीमारी हो जाएगा, फिर स्पोर्ट्स इवेंट होगा, सब जाके स्पोर्ट्स इवेंट देखेंगे, लास्ट पे भाई फेस्टिवल वाला इवेंट होता है जिसमें हर एनिमे में जाकर एक सीट हो जाएगी, उसमें सब बैठ के बैठेंगे और फिर फेस्टिवल देखेंगे, फट 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 खुश हो गए। अभी एक फेस्टिवल हर साल छह फेस्टिवल देखते हैं, लेकिन एक चीज होती है, हर एनिमे में उससे पहले प्रोटैगनिस्ट जो होता है लोनर ही होता है। हाँ ये बात तो है, और कभी भी किसी एनिमे में ये नहीं बताएंगे कि वो लोनर हुआ क्यों होता है, लेकिन नहीं, उस एनिमे का वो प्रोटैगनिस्ट है तो मतलब अब वो लोनर नहीं रहेगा, अब उसके आसपास सब लड़कियां आ जाएगी और वो बहुत सबसे ज्यादा खुश हो जाएगा, और फिर वो अपना ईगो दिखाएगा। मुझे लगता है आजकल के एनिमे का एक ट्रेंड हो गया है, या तो चूतिया लड़के का कटता है, या चूतिया लड़की का कटेगा, या लास्ट में जाकर चूतिया
या व्यूअर्स का कट जाएगा जो 10-5 सीजन बीत जाएंगे और तब भी स्टोरी वहीं की वहीं रहेगी जो पहले सीजन में रही थी। अभी क्यों वही गाली नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल गाली नहीं चलेगी, क्यों पे जाओ जी। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसा होता होगा जो एनिमे क्रिएटर्स होते होंगे, अरे जल्दी बनाओ, जल्दी करो, 5-6 लड़कियां तो बननी चाहिए। ओके सर, सर प्रोटैगनिस्ट का क्या करें? अरे वही तो करना है, हर एनिमे में लोनर ही तो होता है, तो बस लोनर ही बना दो। तुम कौन सा कुछ नया सोच रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जल्दी जल्दी 5-6 कवाइयां बनाओ। सर उसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी। अरे करना क्या है, किसी के बाल के कलर चेंज कर देना, आंखों के कलर चेंज कर देना, किसी को कम कवाई, किसी को ज्यादा कवाई बनाना है, कोई ज्यादा बोलेगी, कोई कम बोलेगी, कोई शांत रहेगी, बस हो गया एनिमे। अच्छा, और सर किस वगैरह का लव वगैरह कुछ प्रपोज वगैरह कराना है? अबे पागल हो क्या, पहले 50 सीजन तो बनाने दो, उसके बाद जाकर कुछ फ्रेंडशिप वाली बात होगी, और तब यार प्रपोज वपोज तो भूल जाओ, अभी वो तो उसके लिए 200 सीजन और लगेंगे। अरे जल्दी जल्दी काम पे ध्यान दो। ओके सर। मिस्टर बी, ओए ये हमारा ऑटो नहीं है। ए के मैं के के ने ने ने। इतना सस्ता सा ऑटो? हाँ हाँ यही होगा, जब तक बजट नहीं आएगा तब तक यही रहेगा, कम बजट वाला आउट्रो।